गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। गाइस फेस्टिवल के सिलसिले में मैं गांव आया था और यहां पे आते ही मैंने देखा है एक बहुत ही स्पेशल केस। दोस्तों आज ये वीडियो पहले देखिए, क्लिप देखने के बाद में आपको पता चलेगा कि ये कितना स्पेशल केस है। दोस्तों इतनी सारी पस, वो भी एक इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन गलत देने की वजह से, तो YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से मैं पूरी क्लिप्स आपको नहीं दिखा सकता हूँ। पूरी क्लिप अप्रोक्सीमेट 4 मिनट की है। अगर आप पूरी क्लिप देखना चाहते हो कि क्या क्या आगे की प्रोसेस हुई है, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं एक्सक्लूसिवली अनलिस्टेड वीडियोज़ आपके लिए दे दिया करूँगा। ओके, और आगे हम बात करते हैं कि पेशेंट की हिस्ट्री क्या आती है जिनकी वजह से ये चीज़ हुई है। तो दोस्तों पेशेंट को इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाया था, वो भी पेशेंट ने ये बताया है कि पाउडर फॉर्म में कोई इंजेक्शन था, उसको जैसे घोल के और उसके बाद में 10 ml की बड़े वाली सिरिंज से पुश किया गया था। तो इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है एंटीबायोटिक्स उन्होंने पुश कर दी हो और पेशेंट चूँकि थोड़ा हैवी है, फैटी है, तो अप्रोप्रिएटली वो मसल्स में पूरी मेडिसिन नहीं गई होगी। तो ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बाद में 2 डेज़ के बाद में उसको रेडनेस फील हुई, उसके बाद में पूरी मसल्स टाइट हो गई और वहाँ पे इतना पेन होने लग गया कि वो उसके बर्दाश्त के बाहर हो गया। लेकिन फिर भी जो लोकल केमिस्ट था जिन्होंने इंजेक्शन लगाया था, उन्होंने बताया कि ठीक है, अपने आप ठीक हो जाएगा, और वो आइस पैक करते रहे। लेकिन इसके बाद में जब 1 महीने के बाद में जब उसको कंटिन्यूसली हाई ग्रेड फीवर आ गया, उस समय में उनको लगा कि यार अब तो पॉसिबल नहीं है, मैं इतना पेन टॉलरेट नहीं कर सकता हूँ। तो इसके बाद में ये हमारे पास में आए और हमने देखा कि इसकी कंडीशन कितनी है। तो उसके बाद में हमने इनका पूरा IND प्रोसेस किया और अब देखते हैं आगे कितने दिनों में ये रिकवर हो पाते हैं। तो क्विकली 2 टिप्स मैं आपको दे देता हूँ कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने के लिए आप ये डायग्राम में देख लीजिए, आपको हमेशा जो हिप की मसल्स है, उसके जो ग्लूटियल मसल्स है, उसकी अपर आउटर क्वाड्रेंट में ही हमेशा लगाना है। दूसरा, अगर आप इंजेक्शन को डीपली पुश नहीं करते हैं, बहुत सारे पेशेंट ऐसे देखे हैं जो फैटी होते हैं, तो बहुत बार ये भी देखा गया है कि आप इंजेक्शन को प्रॉपरली डीप मसल्स तक नहीं लेके जाते हैं, तो वहाँ पर भी गलती हो सकती है। अगर वो फैटी टिश्यूज़ के बीच में ही इंजेक्ट कर दिया जाता है और लार्ज अमाउंट में रहता है, और अगर मेडिकेशन से रिएक्टिव करने वाली होती है, तो वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा, इस केस में ये हो सकता है कि जब इंजेक्शन लगाया है तो उससे पहले साइट को अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया होगा। तो दोस्तों हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए। और बहुत सारी बातें हैं, वो पूरी सीरीज़ में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आज की ये वाली वीडियो देखने के बाद में आपको पता चला होगा कि गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से कितना नुकसान पेशेंट को हो सकता है। तो दोस्तों ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।